अगर आप भी इस बार हरिद्वार में कांवड़ मेले में आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको बता दें 22 जुलाई से श्रावण माह और कांवड़ मेले का शुभारंभ हो रहा है जो कि 2 अगस्त तक चलेगा, जिसको लेकर के उत्तराखंड पुलिस प्रशासन बेहद सख्त है और इसको लेकर के उन्होंने अन्य राज्यों से बैठक की है और इसकी व्यवस्था पर चर्चा की है। चलिए आपको उसके बारे में बताते हैं। हर साल कांवड़ मेले में लाखों श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं जिस कारण यातायात पूरी तरीके से प्रभावित होता है। इन सबको ध्यान में रखकर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें पड़ोसी राज्य दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल और चंडीगढ़ की पुलिस के साथ बैठक किया गया। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने केवल अस्पताल और स्कूल क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में शोर को नियंत्रित करने की बात कही है। यूपी में भी यही स्थिति लागू रहेगी, यहाँ भी डीजे पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि स्पष्ट किया गया है कि किसी भी उपद्रवी और शरारती तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके साथ सख्ती से निपटारा किया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश में कांवड़ क्षेत्र को 15 सुपर जोन, 36 जोन और 130 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जहां लगभग 7,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। यात्रा में सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन की भी मदद ली जाएगी। हरिद्वार में एक विशेष कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। कांवड़ मेले में कांवड़ियों को अपना परिचय पत्र साथ रखना होगा। इसके अलावा 7 फीट से ऊंची कांवड़ बनाने और रेल की छतों पर सफर करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कांवड़ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए यातायात रूट में बदलाव भी किए जा सकते हैं। चार धाम यात्रा को देखते हुए भी तीर्थयात्रियों की सुविधा और इसके अलग अलग से मार्ग निर्धारित किए जा सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आगे ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द हॉक। धन्यवाद।